बच्ची को कितना तड़पा तड़पा कर मारेंगे। अरे देख रहे हो भैया, विनोदवा को पीलिया हो गया है। हम 2019 बैच के रिम्स के छात्र एवं छात्राएं आज दिनांक 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस के उपलक्ष्य पे पीएसएम डिपार्टमेंट रिम्स रांची के नेतृत्व में आज एक नुक्कड़ की प्रस्तुति करने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है हेपेटाइटिस। आज ये आरंभ है, ये खुद से खुद का रण है, ये भ्रम नहीं विचार है, ये नुक्कड़ नहीं प्रबल पुकार है, ये नुक्कड़ नहीं प्रबल पुकार है, ये नुक्कड़ नहीं प्रबल पुकार है, ये नुक्कड़ मौज नहीं कहता है तो क्या कहता है नुक्कड़, नुक्कड़ कहता बात पते की सुन लो मेरे यार, नुक्कड़ कहता बात पते की सुन लो मेरे यार। हेपेटाइटिस करता सेहत खराब, हेपेटाइटिस करता सेहत खराब, हेपेटाइटिस करता सेहत खराब। पहला दृश्य। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है मैम। आप सबको पता है आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है मैम? आज है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। हेपेटाइटिस ये क्या होता है मैम? हेपेटाइटिस का मतलब काला पीलिया। काला पीलिया जी, मतलब आज विनोद का दिन है। देख रहे हो भैया, विनोदवा को पीलिया हो गया है। तेरा आग पीला पीला, तेरा जीव पीला पीला, तेरा आग पीला पीला, तेरा जीव पीला पीला, तेरा देखने है दर्द, तेरा नाखून पीला पीला, देखो भाई देखो वो पीलिया हो गया। चुप करो सर, क्यों हंस रहे हो तुम लोग विनोद में? मैं विनोद को तो काला पीलिया है, इसीलिए ना हम इसके साथ बैठते हैं और ना ही खाना खाते हैं। नहीं बच्चों, यह गलत है। काला पीलिया साथ बैठने या साथ खाने से नहीं फैलता है। चलो सब विनोद से हाथ मिलाओ और सॉरी बोलो। सॉरी विनोद। न साथ रहने से, न साथ खाने से, न हाथ मिलाने से हेपेटाइटिस फैलता है दूषित खाना खाने से। तो चलो आओ, आओ आवाज उठाओ, हेपेटाइटिस को दूर भगाओ, हेपेटाइटिस को दूर भगाओ, हेपेटाइटिस को दूर भगाओ। दूसरा दृश्य। ओफो, आज कल मेरी बेटी कितना ज्यादा पढ़ने लग गई है, चलो आज उसके लिए मैं बाहर से समोसा लेके दे देती हूँ। आज तो मजा आ गया। अरे इतना बढ़िया खाना मैंने आज तक नहीं खाया। सोचो इस बच्ची को कितना तड़पा तड़पा कर मारेंगे। अरे इसको तो हेपेटाइटिस आ गया समझो। अरे मैं समोसा खाना तो भूल गई। दो वक्त की रोटी खाता है इंसान फिर भी नहीं रख सकता इसका ध्यान। खुला खाना खुली बीमारी, हराम हो गई है जिंदगी हमारी। तो आओ दोस्तों आवाज उठाओ, हेपेटाइटिस को दूर भगाओ, हेपेटाइटिस को दूर भगाओ, हेपेटाइटिस को दूर भगाओ। तीसरा दृश्य। देखिए डॉक्टर साहब, क्या हो गया है हमारी बिटिया को, पेट दर्द से तड़प रही है बिचारी। क्या हुआ है, टेस्ट वगैरह सब करवाए हैं? हाँ डॉक्टर साहब। रिपोर्ट दिखाइए तो। ये क्या, आपने तो हेपेटाइटिस का टेस्ट ही नहीं करवाया है। हेपेटाइटिस ये तो मामूली सा बीमारी है, हेपेटाइटिस का टेस्ट भला कौन कराता है डॉक्टर साहब? आपको मामूली सा बीमारी लगता है? आपको पता है हेपेटाइटिस से किसी का लीवर खराब हो सकता है, हेपेटाइटिस से लीवर का कैंसर तक हो सकता है। लीवर खराब हो सकता है, लीवर का कैंसर हो सकता है, अब मैं क्या करूँगा? हे माँ, माता जी, हेपेटाइटिस 5 तरह का होता है। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी और ई। जिसमें से भी
टीका उपलब्ध है। हेपेटाइटिस ए का सिर्फ एक ही डोज होता है और हेपेटाइटिस बी का 3। तो आप सभी अनुरोध है कि आप सभी अपने बच्चे को जन्म के बाद तीनों डोज दिलवाएं, और यदि किसी कारणवश अगर वो छूट जाए तो बड़े होकर भी आप तीनों डोज दिलवा सकते हैं। तो आप सभी से आग्रह है कि अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, अपना जांच कराएं और टीका जरूर लें। चौथा दृश्य कलीस पे समझाया है भाई, ये काला नीला हला पीला गुलाबी से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है। वैसे जब मैं भाई की दुनिया में चला गया। तो देखा आप सभी ने, संक्रमित सुई का इस्तेमाल करने से हेपेटाइटिस संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। हेपेटाइटिस की मार सबसे बड़ी मार बर्बाद कर देती है हर एक सुखी परिवार, बर्बाद कर देती है हर एक सुखी परिवार, बर्बाद कर देती है हर एक सुखी परिवार। दोस्तों याद रखें, हेपेटाइटिस का संक्रमण किसी भी बीमार आदमी से स्वस्थ व्यक्तियों में किन कारणों से फैल सकता है? पहला कारण दूषित खाना खाने से, दूसरा कारण संक्रमित लोगों के साथ असुरक्षित संबंध बनाने से, तीसरा कारण संक्रमित सुई एवं ब्लेड से, और चौथा कारण संक्रमित गर्भवती माँ से बच्चों में। तो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इन कारणों से दूर रहें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हेपेटाइटिस के कंट्रोल के लिए एक बहुत ही बेहतरीन प्लान चालू किया। प्लान का नाम है नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत हेपेटाइटिस बी और सी के मुफ्त दवा और इलाज किया जाएगा। इसके तहत उचित जांच व प्रबंधन की सुविधा है। अन्य लागू प्रोग्राम और स्कीम के साथ मिलकर एक एकत्रित प्रयास करना है और इस बीमारी को 2030 तक देश से पूरी तरह मिटाना है। आओ हम सब मिलकर लड़ते हैं इस बीमारी से। ना घबराए ना शर्माए, लक्षण दिखने पर डॉक्टर को दिखाएं। सही समय पर टीका लगवाना है और जच्चा बच्चा को हेपेटाइटिस से बचाना है। तो आओ आओ आवाज उठाओ, हेपेटाइटिस को दूर भगाओ। आओ आओ आवाज उठाओ, हेपेटाइटिस को दूर भगाओ। बहुत बहुत बधाई और हार्दिक धन्यवाद। इसी तरह से जागरूकता फैलाएं और समाज को हेपेटाइटिस मुक्त करें, और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030 में हमें हेपेटाइटिस को समाप्त करनी है उसके लिए कार्य करें।